नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 13 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़ी सूचनाएं आपको उपलब्ध कराने के लिए। मेरे आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बड़ी बात आपको बताऊंगा। KBCL इंडिया लिमिटेड रियल एस्टेट की कंपनी थी, इसको लेकर के इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता चला है जो सैकड़ों बीघा में हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर यार्ड में है, और भी बहुत सारी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का पता चला है। वो पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा और भी कई खबरें मैं बताऊंगा। एक और नई कंपनी का, दो नई कंपनीज का पता चला है, आज उनकी शिकायत मिली है। एक है मेडालियन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी द्वारिका से चलती है, जो गोल्ड स्कैम के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड देश भर में करने जा रही है, इसकी फर्जी स्कीम्स के विषय में बताऊंगा। और एक और है AWPL, जो दवाओं के नाम पर, असाध्य रोगों की दवाओं के नाम पर देश में पोंजी स्कीम्स चलाकर देश के लोगों को ठगने का काम कर रही है, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपको सूचना दूंगा। और भी कई काम की बातें इस वीडियो संदेश में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। और आपके साथ जिस कंपनी ने या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने चीटिंग की है, ठगी की है, उसके विषय में भी हम आपको और देश को जागरूक कर सकें, बता सकें और उनके पीड़ितों के भुगतान की लड़ाई लड़कर उन सबका भुगतान दिलवा सकें। तो तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को शेयर भी कर देंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी जरूर कर देंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो गोल्ड लोन वाली कंपनी की शिकायत, वो गोल्ड स्कीम वाली जो कंपनी है, उसी के विषय में बता देता हूँ। मेडालियन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 916 गोल्ड ज्वेलरी, इस कंपनी का ये ट्रेडमार्क है। द्वारिका दिल्ली से ये पूरा स्कैम संचालित किया जा रहा है और बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान तक इसने अपना नेटवर्क फैला दिया है। और दोस्तों आश्चर्य की बात यह है कि आप इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स का शिकार बन जाते हैं। ये कंपनी कहती है, जो झांसा दे रही है लोगों को, कह रही है कि अगर 1,10,000 रुपये आप इस कंपनी में जमा कराएंगे तो ये कंपनी आपको इसके ठीक आधा यानी 55,000 रुपये का एक वाउचर देगी, जिससे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, और 11,000 रुपये प्रति महीना 10 माह तक आपको रिटर्न देगी, यानी कि 1,10,000 रुपये आपके वापस कर देगी, साथ में आपको 55,000 रुपये का गोल्ड देगी। और यदि आपने एजेंट बनकर इस कंपनी का कुछ और लोगों को जोड़ दिया, वही पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, तीन आदमी जोड़ने वाली पर काम करना शुरू किया, तो आपको एडिशनल अतिरिक्त बेनिफिट्स होंगे और बहुत सारे दावे ये फ्रॉड कंपनी कर रही है साथियों। और इसकी शिकायत आज ही हमने ट्विटर हैंडल के माध्यम से अपने कैसे युगांतर न्यूज कैसे दिल्ली के LG साहब को, मुख्यमंत्री को, पुलिस कमिश्नर साहब को, DCP द्वारिका को भेज दी है, ताकि पुलिस जांच करके इस कंपनी के इस काले कारोबार को बंद करवा सके और लोगों को ठगने से बचा सके। क्योंकि देश में ना गोल्ड के नाम पर, ना सिल्वर के नाम पर, ना हीरे के नाम पर, ना रियल एस्टेट के नाम पर, ना जीवन बीमा के नाम पर, ना रिटर्न के नाम पर, ना किसी और नाम पर कोई भी पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम नहीं चला सकते। ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं, अवैध घोषित कर दी गई हैं। द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बनाकर हमने
पुलिस से सरकार से यही मांग की है कि इस कंपनी के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लेते हुए वो बट्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करें और इसके इस फर्जीवाड़े को बंद करवाकर देश के लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाएं। साथियों, इसी तरह की एक और दूसरी कंपनी है द्वारिका, दिल्ली से ही संचालित है वो भी, और इनको जल्द ही चिन्हित तो सरकार ने करनी है, इनको बहुत जल्दी सीज करवा के नीलाम करवाना है। इसलिए मैं KBCL के विक्टिम से, एजेंट साथियों से अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा एविडेंस हमारे हाथ लग गया है दोस्तों, तो आप लोग अब थोड़ा सा उदासीनता का परित्याग करें और जल्दी से जल्दी हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस काम को करवा लें, चूंकि आपकी कंपनी के लोगों के भुगतान के लायक जमीनें, प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट्स इस कंपनी के सरकारी एजेंसीज ने चिन्हित कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं साथियों। तो इस काम को आपको तत्परता से लेना है, और मैं KBCL के लिए बता रहा हूं, जो KBCL के एविडेंस मेरे पास आए हैं। इसी तरह से मैं बाइक बोट के विषय में बता रहा था, बाइक बोट के सैकड़ों करोड़ रुपए के एविडेंस मेरे पास हैं, जो ED ने उसकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया है, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने जब्त किया है, और बहुत सारे एविडेंस उसके खिलाफ हैं। तो PACL की सबको पता है, बहुत सारे एविडेंस हैं उसके खिलाफ, सहारा इंडिया के खिलाफ दुनिया भर के एविडेंस हैं, समृद्धा जीवन के खिलाफ दुनिया भर के हैं, साईं प्रसाद के दुनिया भर के हैं, साईं प्रकाश के दुनिया भर के हैं, कर्म भूमि के खिलाफ दुनिया भर के हैं। मतलब कोई भी कंपनी, टोगो या GCA समेत, रोज वैली, पिनकोन समेत, कोई ऐसी कंपनी नहीं है आदर्श या नवजीवन या संजीवनी जैसी जिनकी और ये क्या बोलते हैं, ट्रिनिटी, जनशक्ति, केमना, किम, फ्यूचर और फ्यूचर मेकर, और वो क्या बोलते हैं उसको, अल्केमिस्ट, इनमें से कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसकी प्रॉपर्टीज देश भर में ना हो। बहुत लोग कहते हैं टोगो के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोगों साथियों, जो टोगो की दूसरी कंपनी है बेसिल इंटरनेशनल वगैरह, उनके नामों पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह से जो विश्वास ट्रेडिंग है उसके नाम पर भी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आप हताश, निराश, उदास इतने हो गए हैं कि वो उदासीनता, वो निराशा, वो हताशा आपको सत्य को देखने नहीं दे रही है साथियों। तो सत्य को जब आप देखना चाहोगे, तो अपने ध्यान को केंद्रित करके, तो सत्य आपको दिखेगा और सबका भुगतान होगा, क्योंकि भुगतान की गारंटी का अधिकार हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने आप सबको दे दिया है, और उस भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को क्रियान्वित करवाकर आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में अकॉर्डिंग टू लॉ वापस करवाने के लिए हम लगातार निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, सरकार से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं, हमारे बहुत सारी साथी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। आज अच्छी बात है, मैं सुन रहा था वो सांसद मनोज झा साहब का, RJD के सांसद हैं, राज्यसभा से प्रोफेसर हैं DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका बयान में सुन रहा था। उन्होंने वादा किया है कि हम सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स का भुगतान कराएंगे, और भी कई सांसदों ने इस तरह की आवाज़ें उठाई हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मैं वो छोटी सी क्लिप लगाऊंगा, हालांकि उन्होंने वो केरल को कांग्रेस और उसके लिए कह दिया कि वहाँ बैंकों ने घोटाला किया है, ठीक से वो कह नहीं पाए, चूँकि ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 शब्द ही ऐसा है कि इसको हर आदमी जुबान पर ला भी नहीं पाता, और कई लोग तो डर जाते हैं इसको जुबान पर लाने में, क्योंकि तुतला जाते हैं या ठगों से डर जाते हैं। लेकिन कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिलेगा। वो क्लिप मैं इस वीडियो संदेश के साथ जोड़ूंगा अभी, तो आप उसे भी सुन लेंगे, और प्रोफेसर झा साहब की भी जोड़ देता हूँ, वो भी सुन लेंगे। तो अब आपको निराश नहीं होना चाहिए, चूँकि धीरे ही सही, चौथे चरण में ही आकर के सही, लेकिन आपका मुद्दा अब केंद्रीय मुद्दा बनने की ओर अग्रसित है। यदि आप थोड़ा सा जागरूक और हो जाएं, तमाम साथी मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें, अपनी ये अलग अलग आवाज़ ना उठाएं कि सहारा इंडिया, PACL, KBCL या कर्म भूमि या बाइक बोट या समृद्धा जीवन या गरिमा या मैत्रेयी या कैलकॉम या माइक्रो फाइनेंस या किम फ्यूचर या रोज वैली या अल्केमिस्ट या केमना,
अगर सब आप मिलकर के टोगो और जीसीए वाले, समृद्धा वाले, साईं प्रसाद वाले, आदर्श वाले, अगर सब साथी मिलकर के केवल और केवल ये कहने लगे कि साहब जो संसद ने और सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून बनाया था भुगतान की गारंटी का, हमें उसके अंतर्गत हमारा भुगतान करवाने की बात करें, तो निश्चित रूप से साथियों आप सबका भुगतान इसी वर्ष में हो जाना है। तो सामान्य भुगतान की प्रक्रिया अगर आप चाहते हो, देखिए भुगतान तो वैसे अब भी हो रहे हैं, व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है भुगतान नहीं हो रहे। कई साथी कह रहे हैं साहब कोई एक बता दो, मैं 50 बार बता चुका हूं कि आप सरकार को RTI फाइल करके वो आंकड़े प्राप्त कर सकते हो, सारे आंकड़े हैं सरकार के पास। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैंने 17,000 करोड़ रुपए वापस लिए। ऐसा नहीं है कि साहब किसी का भुगतान नहीं हो रहा, बहुत लोगों के भुगतान हो रहे हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल लड़ाई जो साथी लड़ रहे हैं उनके हो रहे हैं, और इंडिविजुअल लड़ाई में बहुत भारी पैसा खर्च आता है। तो जिन साथियों के मान लो 50 लाख हैं, किसी के 20 लाख हैं, किसी के 1 करोड़ हैं, किसी के 2 करोड़ हैं, तो इंडिविजुअल अपने वकील साहब हायर करके केस फाइल कर देते हैं व्हाट्सएप में या PIDX में, तो उनका भुगतान हो जाता है। लेकिन जो सामान्य भुगतान की प्रक्रिया है कि सबका भुगतान हो, जो लोग वकील हायर नहीं कर सकते इंडिविजुअल, जो संगठनों की फीस नहीं दे सकते, उनका भुगतान भी सरलता पूर्वक हो, व्हाट्स एक्ट का जो आवेदन फॉर्म है भुगतान का उसके आधार पर हो जाए, हमारी लड़ाई उसके लिए है साथियों। तो अगर आप विचलित होंगे, टांग खिंचाई करेंगे, तो निश्चित रूप से भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सब एकजुट होकर एक साथ एक स्वर में अपनी पीड़ा को सामूहिक आवाज देंगे, तो निश्चित रूप से आप सबका भी भुगतान हो जाएगा। तो मिलता हूं कल फिर आपसे। जिनको अपने इंडिविजुअल केस फाइल कराने हों वो हमसे भी करा सकते हैं, हम भी कर देते हैं, हमारी तो पूरी लीगल टीम है इसके लिए, मैंने नंबर दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये किताब साथियों खरीद लो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की किताब है, जो सरकार ने, संसद ने एक्ट बनाया है, उसी एक्ट की चीजें इसमें हैं सारी। वेयर एक्ट है जो सरकार ने एक्ट बनाया है, सेम टू सेम है, इसमें एक शब्द का भी कहीं फेरफार नहीं है। तो इतना खर्चा तो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है कि ये पुस्तक खरीद ले। ये 220 रुपये की पुस्तक आती है साथियों, इसे खरीद सकते हो आप कहीं भी बाजार से, हो सकता है कुछ सस्ती भी आ जाए कहीं कहीं, अंग्रेजी वाली तो सस्ती आ ही जाती है, वो तो 100 रुपये में आ जाती है, लेकिन ये दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि आप सरलतापूर्वक समझ सकें। तो इस किताब को आप खरीद लें, इसे पढ़ लेंगे, तो इसमें जो जो पद्धति प्रक्रिया बताई गई है भुगतान की, उसको आप अपनाएंगे तो आप स्वयं भी अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसी किताब में, इसी एक्ट में आपको भुगतान की गारंटी दी गई है, और ये कहा गया है कि आपकी जमा राशि का पैसा भले ही वो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्म वगैरह में डूबा है, फंसा है, तो आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार आपको वापस करेगी। ये इसी किताब में लिखा है, इसको पढ़ लें, इसमें तमाम प्रक्रियाएं बताई गई हैं, कैसे और कहाँ आवेदन आपको करना है। अगर आपको कहीं ना मिले ये किताब तो आप हमसे भी मंगवा सकते हो, ये किताब हम भी आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत साथी।